जाहिद भाई नाश्ता कर लीजिए। नहीं करना है मुझे, ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम साजिद अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? मेरी तबीयत ठीक है, मुझे क्या होना है? असल में बेटा, कल सारा दिन तुम्हारी बाइक बाहर ही खड़ी हुई थी। मैं समझा शायद कि तुम्हारी तबीयत खराब है। दुकान पर गए थे तुम? जी, मैं तो कल पूरा दिन दुकान पे ही था। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं। फिर शायद बेटा मुझे मुखालता हो गया होगा। अल्लाह पाक तुम्हें सेहत दे, जिंदगी दे। बेटा बाप के बाद अब तुम ही सहारा हो अपनी बहन का, उसके चौकीदार। अपना और अपनी बहन का ख्याल रखना हो, ठीक है बेटा? किधर है ये खड़ी हुई? अल्लाह, ये क्या हरकत की? क्या क्या किया तूने? क्या कर रही हो अम्मा? मना नहीं किया था तुझको? है कल क्या बोल के आई है माजवीन को? तो हमें उनकी सारी बातें पता होती हैं, उनको भी पता होनी चाहिए। तेरे करतूत तो पूरे मोहल्ले को पता है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि वो अपने कच्चे चट्टे खोल के तुझको बता दे सारे। अरे अम्मा, क्या बात करती हो, मोहल्ले वालों में और माजवीन जी में कोई फर्क है क्या? नहीं फर्क है, लेकिन वो अपनी हो के भी अपनी नहीं है। क्या बोल रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये जो हालात के मारे होते हैं ना, ये अपने नहीं होते तो दूसरे किसी और के क्या होंगे? हाँ, जैसे हमारे घर में तो अच्छे हालात ने भंगड़े डाल रखे हैं। क्यों अम्मा, कम से कम माजबीन जी खुशहाल तो हैं। तुझे किस चीज की कमियां हैं? मिलाद से जो सूट मिलता है तुझको से ला के देती हूँ, जेवर चूड़ियां लेके देती हूँ, मेकअप लेके देती हूँ। रानिया मेरी बात सुन, ये जो तन्हाई की कैद होती है ना, चाहे सोने के पिंजरे में क्यों ना हो, होती बड़ी सख्त है। तुझे मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी बेअकली। वो चाहे लाख हमारी हमदर्द हो, है तो बेवा, रहती तो अकेली है ना। अगर तेरी शादी का सुन के उसके दिल में कोई अरमान की आह जाग गई और तुझे लग गई तो फिर बेवकूफ। अम्मा, क्या आप ये कह रही हो कि माजबीन जी को मुझसे हसद होगा? मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। है होने को तो बेटा कुछ भी हो सकता है, मैं हसद की बात नहीं कर रही, उसे जाने दे। लेकिन प्यार की नजर भी लग जाती है। और बस मैंने तुझे कह दिया, आइंदा वहां जाके ना तू कोई खराफात नहीं बकेगी। अम्मा, तो आपने तो मुझे भी नहीं बताया कि माजबीन जी की किससे शादी हो रही है। हैं, क्या मेरी नजर लग सकती है उनको? वो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। लिया, तुझे तो मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम भांडो के खानदान की है, मोहल्ले में जाके कहीं भी कुछ भी भांड देती है। वैसे भी बेटा ये मामला जो है ना, अब जरा ठंडा हो गया है। और हाँ, वो जाहिद की तरफ से ज्यादा कोई उम्मीद नहीं रखना। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा, मुझे तो लगता है कि इनकार ही कर देगा। है ये चावल लेकर आ, दाल हो गई।